नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ रॉबर्ट रोसारियो जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो मैं 7 मिनट लेट हो गया, इसके पीछे फैक्टर ये था कि मैं एक चैनल पे था जहाँ पे बहुत सारे मास्टर स्ट्रोकवादी थे, और वो मास्टर स्ट्रोकवादी यही बता रहे थे, यही मतलब कि आप हमसे मतलब हर चीज में कि वो बहुत बड़े हैं। मैं बोला कि हाँ प्रभु, आप लोगों से ही तो सब कुछ है। तो वो वहां पर यूसीसी का ही डिबेट चल रहा था, वो चल रहा था कि मास्टर स्ट्रोक और जुमला। तो मैंने बता दिया 3 बार कि ये जुमला 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 ही था। उसके बाद वही राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, जो कि रटे रटाए इनके होते हैं। तो मैं थोड़ा अपना सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, वरना ये कहते कि कोई आया था भग गया मेरी वजह से, उनकी वजह से मतलब। तो मैंने कहा कि ठीक है, कभी और डिबेट कर लेंगे। तो आपके लिए आपसे भी माफी चाहता हूँ, बाकी लोगों से भी माफी चाहता हूँ। थोड़ा मास्टर स्ट्रोकवादी उसे मैं थोड़ा समझ रहा था। अच्छा, अब चूंकि हम चर्चा यूसीसी के ऊपर ही कर रहे हैं, तो इसके ग्राउंड रियलिटी के ऊपर भी बात करना बहुत ही जरूरी है। और इसके क्या क्या फैक्टर हैं, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि इसकी जमीनी जो रुझान जो बोलते हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं। जैसे कि आनंद मैरिज एक्ट को बाहर रखा जाएगा, सुशील कुमार मोदी ने बताया कि जनजातीय समाज को बाहर रखा जाएगा। तो फिर ये यूसीसी किसके लिए लाया जा रहा है, और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो एक गिरोह है जो सड़क पर उतर कर अपना रोड घेर लेता है, उनको भी इस चीज से बाहर कर दिया जाएगा? तो फिर यूसीसी किस लिए लाया जा रहा है, क्या सारी चीजें हैं, ये सब हम आपसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप सभी इनके बारे में जानते हैं, ये थोड़ा आप विस्तार से बताइए। जी नमस्कार विशाल जी, और नमस्कार आपके सारे दर्शकों को। जी, अब देखिए, यूसीसी की बहुत चर्चा हो रही है देश भर में। अभी चुनाव नजदीक आए तो कुछ तो मुद्दा चाहिए ना। 9 साल में कुछ नहीं था, तो कुछ नया मुद्दा उठाए। अभी देखिए, आपको यही सुनने को मिलता है कि प्रो और अगेंस्ट, आप यूसीसी के पक्ष में है या खिलाफ है, इसके सिवा कुछ नहीं होता है क्या? ना पक्ष में ना खिलाफ में कुछ होता है कि नहीं होता है? सारे बाइनरी में होना चाहिए। ये इतना बड़ा देश, इतना बड़ा सभ्यता, हमारे सबसे दुनिया का सबसे पुराना सभ्यता से निकला हुआ देश है हमारा, यहाँ हम सारे बाइनरी में बात करने लगेंगे? अभी देखिए, कम से कम इस आड़ में अपने को तो एक मौका दे दिया इन्होंने कि उनके ऊपर बात करें, कि पूरा व्यवस्था के बारे में बात करें। यूसीसी का मतलब क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी सिविल कोड कहाँ से निकलता है, तो संविधान से निकलता है, तो संविधान के ऊपर ही बात करें। तो आप देखिए, इतना बड़ा, मैंने शुरुआत में ही कहा कि इतना पुराना सभ्यता है हमारी, सहस्र मानो से। आपकी वॉइस में इको आ रही है। हाँ जी, मुझे भी लगता है इको आ रही है, तो क्या समस्या है? अब चलिए रिपीट आप बोलिए, और कोई इशू आता है तो फिर देखते हैं। जी देखिए, सबसे पुराना सभ्यता है हमारी, ठीक है। यहाँ जी, यहाँ देखिए, बड़े बड़े राजसत्ता होकर गए हैं। अच्छा अच्छा प्रशासन हमने देखा है, लेकिन कभी अभी ये कि रूल ऑफ लॉ तो पहली बार हमने सुना पिछले 75 साल में। हम हमेशा राम राज्य की बात करने वाले लोग हैं ना, सब बोलते हैं कि राम राज्य। राम राज्य होता क्या है? डेमोक्रेसी होती है कि क्या होता है? संविधान होता है क्या? कानून के हिसाब, कानून के हिसाब से चलने वाला राज्य को राम राज्य कहते हैं क्या? या इससे भी ऊपर उठकर एक बहुत ही अच्छा एक व्यवस्था हो जहां पे सबको न्याय मिले, सबको न्याय मिले। मैं न्याय की बात कर रहा हूँ, कानून की। हमारे देश में अगर आज के तारीख में न्याय व्यवस्था है क्या, मगर पूछो आप बोलेंगे अरे इतने बड़े, इतने सारे कोर्ट हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो न्याय व्यवस्था है क्या? बुनियादी सवाल उठा रहा हूं इधर। इतने सारे कोर्ट हैं, वो कोर्ट ऑफ लॉ है, अंग्रेजी में बोलते हैं कोर्ट ऑफ लॉ। इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? वो न्यायालय कैसे होता है हिंदी अनुवाद? कोर्ट ऑफ लॉ का हिंदी अनुवाद ऐसे होना चाहिए कि कानून का आलय, न्यायालय नहीं है, कानूनालय, कोर्ट ऑफ लॉ, कानूनालय। वहां बैठने वाला, वहां से जो जजमेंट सुनाने वाला, वो न्यायाधीश नहीं हो सकता, वो कानूनाधीश है, क्योंकि कानून के ऊपर, कानून के हिसाब से वो सुनवाई करेगा। यहाँ सामने बहस करने वाला
हमें हम कहते हैं कि न्यायवादी है, वो न्यायवादी नहीं है, वो कानूनवादी है, क्योंकि कानून के ऊपर बहस करता है, कानून के हिसाब से, वैसा कानून के हिसाब से, वहां न्याय के लिए कोई जगह नहीं है ना, हमें संविधान में न्याय देने देने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम ऐसे माहौल में है, और हम बात करते हैं यूसीसी की। अब देखिए, हम संविधान से ये देश बोलते हैं हमेशा, बहुत सारे हमारे बातचीत शुरू होती है संविधान से चलता है। ये देश कभी एक किताब के ऊपर निर्भर था क्या? अब देखिए पूरे इतिहास में बुक बेस्ड बोलते हैं, बुक बेस्ड, ये जो रिलीजन है ना बाहर से आए हैं, वो रिलीजन बुक बेस्ड रिलीजन है। भारत एक धर्म के ऊपर चलने वाला देश, वो कभी एक पुस्तक के ऊपर निर्भर नहीं है, है क्या? अब जानते हैं कितनी सारी किताबें हैं सनातन में, कोई एक आप बुनियाद नहीं बना सकते, सारे मिलकर बुनियाद बनते हैं, वो भी उसके ऊपर आपका क्या कहते हैं निष्कर्ष आप निकालिए, वो भी उधर लिखा है, इसलिए नहीं बोल सकते, आप खुद अपना निष्कर्ष लिखा है, लेकिन ज्ञान वहां से ले। ऐसे सिस्टम हमारे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन पिछले 75 साल में हमने पूरा उसको एक रूल बेस्ड बना दिया, न्याय बेस्ड, रूल बेस्ड बना दिया। अब ये रूल बेस्ड व्यवस्था, हम प्रमोशन नहीं हुए, हम डिमोशन हो गए, हम क्या व्यवस्था थी वहां से हम नीचे नीचे निचले स्तर पर आए, और हम यहां तक आज परिस्थिति आ गई कि कानून सबको एक कानून बनाना है क्या, दूसरा बनाना है क्या, किसको रखना है, किसको बाहर रखना है। अभी देखिए यूसीसी की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि इनको लगा कि कुछ मस्का लगा है हिंदुओं के लिए, इसीलिए लाया गया, बाकी कुछ नहीं है। मोदी सरकार को, बीजेपी को लगा कि हिंदू भटक गए, अपने जितने भी मास्टर स्ट्रोक लगा लो, हिंदुओं को कुछ दुखी तो भी है। तो इनका इनडायरेक्ट मीनिंग है, अर्थ है यूसीसी का कि मुसलमानों को कंट्रोल करना, मतलब उनकी आबादी बढ़ती है उनको, या उनकी शादी, बस इतनी इतनी किसी में बहस। अब देखिए जब आप यूसीसी की बात करते हैं तो शादी ब्याह की बात करते हैं, ये शादी कितना करें, एक करें कि दो करें कि चार करें, किसको दे? देखिए हम ये शादी ब्याह और परिवार कब से है इस देश में, 1950 में संविधान लागू हुआ जनवरी 26 को, क्या उस दिन से हमारे परिवार अस्तित्व में आए? ये उससे पहले परिवार थे, परिवार को सदियों से, सहस्त्रमानों से है। तो एक नया नया बच्चा जैसा संविधान एक परिवार के ऊपर सुनवाई करेगा और फैसला देगा, देखिए कितनी बड़ी विडंबना की बात है। अब जो कोर्ट में सुनवाई करेगा, जो कोर्ट में जो जज बैठा है, आप परिवार के कोई इश्यूज है, ये शादी ब्याह में जो भी हुआ एक डाइवोर्स के, उनको जानकारी सिर्फ कानून की जानकारी हुई तो बहुत हो गया, वो कानून जानना चाहिए, कानून और संविधान जानना चाहिए। यहाँ सचमुच में क्या जानना चाहिए उसको भी, परिवार होता क्या है, शादी ब्याह होता क्या है, और डाइवोर्स क्यों होता है, क्यों ना होना चाहिए, वो उसको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। लेकिन हमारी व्यवस्था में इको है कुछ, ठीक है, हेलो इको होता है, बराबर है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आप अगर चाहें तो रिकनेक्ट हो जाइए ताकि कोई डिस्टरबेंस ना आए। तो फिर जो यूसीसी है इसको लेकर जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है एक मास्टर स्ट्रोक के नाम पे, कई लोग ये भी बता रहे हैं कि इससे जनसंख्या नियंत्रण भी हो जाएगा, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात अलग क्यों होती जब सब कुछ यूसीसी से हो जाएगा? अब जिस यूसीसी की बात है, क्या ये सरकार वास्तव में लाना चाहती है? हम जहां मैं चर्चा कर रहा था वहां पर मास्टर स्ट्रोक और जुमला, इतने सारे जुमला मंडली वाले बैठे हुए थे वहां पे, मैं तो अकेला था, हालांकि मुझे लाइव करना था इसलिए मैं वो आ गया, मतलब इस तरह पे टूट पड़ते, बस आप बोल नहीं पाते थे जो कि आप जानते हैं, और आप क्या मोदी जी के बिना ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, वो कर सकते थे, बस यही बातें हो रही। अब बताइए इसका जनसंख्या नियंत्रण से क्या संबंध है? अगर जनसंख्या नियंत्रण यूसीसी, अच्छा मैं यही चर्चा कर रहा था,
अच्छा आप बताइए, क्या जिस तरह के एक मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं, वो मास्टर स्ट्रोक ये है कि यूसीसी से पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो जाएगा, क्या ये पॉसिबल है क्या, या फिर ऐसा कुछ है इसमें प्रोविजन कि से पॉपुलेशन कंट्रोल करना है? यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है किस तरफ बहस जा रही है, क्या मुद्दों पे बहस हो रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल और यूसीज में क्या संबंध है। तो कुछ समझ में नहीं आता, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए किया जा रहा है। अभी पॉपुलेशन कंट्रोल तो करना चाहिए था, वो आबादी जो जिनको नहीं जिनकी नहीं बढ़नी चाहिए उनकी तो इतनी रफ्तार से बढ़ रही है, तो इसके लिए यूसीसी समाधान है क्या, कुछ और है? ये यूसीसी आया तो क्या वो ठीक है रुकेगा आबादी बढ़ना, या बढ़ती रहेगी, ये कैसे रुकेगी? मेरे को तो समझ नहीं आता ये क्या मास्टर स्ट्रोक है। फिर भी मैं ये बोल रहा था, अभी देखिए अब ये अपने जो वैयक्तिक विचार है, जो परिवार वगैरह, परिवार शादी ब्याह, उसके ऊपर सुनवाई किसने करना चाहिए? मेरा तो पॉइंट यही रहा है, सुनवाई करने वाले को परिवार की जानकारी होनी चाहिए कि कानून की जानकारी होनी चाहिए? ये तो ये हम पहले फैसला करें, क्या होनी चाहिए? आपको कैसे लगता है कि परिवार क्या है पता नहीं, शादी ब्याह क्या होती है पता नहीं, लेकिन कानून पता है? और कानून लगा दे तो ऐसे कर करके हमने कितने परिवारों को तोड़ा इस देश में। यहाँ ऐसे ऐसे कानून है जो देखिए, ये डाउरी डाउरी एक्ट, अब डौरी होता क्या है पता नहीं, उसे 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 अच्छाई क्या है बुराई क्या है पता नहीं, लेकिन कानून तो है। और वो कानून का इतना दुरुपयोग हो गया, इतना दुरुपयोग हो गया कि कई घराने उजड़ गए, कई परिवार उजड़ गए, कई लोगों ने आत्महत्या की थी, कई लोगों को जेल में टोस दिया। मतलब पूरा परिवार बर्बाद करने के लिए कानून है क्या? ये हमने सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि अच्छाई के लिए है कि बर्बादी के लिए है। अब जितने भी संविधान के इसमें कानून बने हैं ना, अब बोलते हैं कि पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ क्या होता है? हमारा जो अनुभव है सदियों का या सहस्रमानों का, उसके आधार पर हमें कुछ व्यवस्था बननी चाहिए कि या कोई विदेश से आया, कोई अमेरिका से, इंग्लैंड से या अन्य देशों से हमने एक कानून व्यवस्था लाई, उसके ऊपर हम क्या जा रहा था कि ये जो मास्टर स्ट्रोक लग रहे हैं, 2016 में इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, 2018-18 में जो विधि आयोग ने इस चीज वो चीज खारिज कर दिया कि यूसीसी की मतलब कोई जरूरत है, मतलब उन्होंने बताया कि यूसीसी कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले जो आप जानते हैं कि अश्वनी और उपाध्याय की अश्विनी याचिका, उपाध्याय अश्वनी उपाध्याय की याचिका जी का इन्होंने विरोध किया, और विरोध ही नहीं किया, बोला कि ये याचिका सुनने योग्य है ही नहीं, और इनके ऊपर जुर्माना लगाकर खारिज किया जाए, और 10 दिन बाद गुजरात चुनाव के मैनिफेस्टो में उस चीज को डालते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद यूसीसी लाएंगे। उत्तराखंड में चुनाव से पहले यूसीसी लाना था, चुनाव के बाद रायशुमारी करना था, रायशुमारी जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में इन्होंने एक कमेटी बनाई और बता दिया गया कि बस कमेटी के ऊपर काम चल रहा है, जैसा उस समय भी हमने कहा था कि चुनाव तक लेकर जाया जाएगा, जैसा कि हुआ भी। और बीजेपी आरएसएस तो ऐसी चीज हो गई है कि थोड़ा सा कोई दिमाग लगाए तो इनका अगला कदम क्या है इजिली समझा जा सकता है। तो अब जो ये है कि अचानक से जो कि जो जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में कमेटी बनी, वो बार बार एक्सटेंशन मांग रही है, उसके बावजूद भी अचानक से जब चुनाव आ रहा है तो ये यूसीसी लाना चाहते हैं। और ये बताइए कि एक तरफ तो ये यूसीसी लाना चाहते हैं और दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शरीयत एक्ट 1937 आप सभी जानते हैं, मेन मुद्दा वही है। शरीयत एक्ट 1937 जब तक आप खत्म नहीं करते तब तक मतलब ही नहीं है कि आप यूसीसी ला रहे हैं। उसके सेफगार्ड के लिए बना था बिल्कुल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसको भी आपने खत्म नहीं किया, वो तो शरीयत कोर्ट खोलने की बात कर रहा है। तो ये तो रॉबर्ट वो जी, खत्म ये करो, उसको खत्म करो बस। रॉबर्ट जी मैं तो ये कह रहा कि ये तो हिंदू राष्ट्र बनते बनते शरियत कोर्ट बनने लगे, शरियत राष्ट्र की तरफ देश पहुंच गया।
बिल्कुल शरीयत राष्ट्र पर नहीं चले, बिल्कुल सही कहा आपने। और ऊपर क्या शीर्ष में बैठा हुआ आदमी तो कभी कभी भगवा पहनता है, कभी त्रिकुंड लगाता है, पता नहीं, लेकिन काम तो वो करता है जो उनके वाले करते हैं, दीन वाले करते हैं। तो आप ये बताइए कि जरूर जरूर चले। जिन लोगों ने सीए लागू अब तक नहीं करा पाए, ये सारे काम हो रहे हैं लेकिन सीए के इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहा, वो लोग आपको पता है कितनी बार यू टर्न ले चुके हैं, जो कि एक क्राउड, जो कहीं भीड़ कहीं सड़क पर निकल जाए, जो कि खास एक उसकी पहचान होनी चाहिए, वही लोग मणिपुर के ऊपर नहीं बोल पाते, बंगाल के ऊपर नहीं बोल पाते, वो लोग क्या यूसीसी लाएंगे? और वो यूसीसी जो जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, क्या वो लागू करा पाएंगे क्या? सबसे बड़ी मजाक वाली बात है ये, जो कानून बना है उसको लागू करने का दम नहीं है तुम्हारे यहाँ, उसके लिए रूल्स नहीं बनी है। सात सात बार उसको एक्सटेंशन किया कि अगर उसके लिए कोरोना बाधा डालती है तो इसमें बाधा नहीं होती कि कराना, इसमें भी कोरोना आएगा बीच में। हो सकता है कि अगले अप्रैल मई तक यूसीसी चलती रहेगी, बाद में बोल दिया जाए कि अभी कोरोना की वजह से हम यूसीसी डाल रहे हैं जैसे ही चुनाव हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। और एक मास्टर स्ट्रोक। अब देखिए हम ये मौका, मैं ये कह रहा हूं कि हम ये मौका का ऐसा इस्तेमाल करें कि ये डिबेट, अगर समाज में ये एक बहस छेड़नी चाहिए कि ये यूसीसी, ये क्या सिविल लॉ के ऊपर उठकर कुछ बातें हो जाए, हमारी मूल बुनियादी व्यवस्था है उसके ऊपर बातें हो जाए। अगर बुनियादी व्यवस्था ठीक हो तो आपको कुछ चीज की जरूरत नहीं है। मैंने शुरुआत में बोल दिया कि हम एक न्याय व्यवस्था के क्या क्या बोलते हैं, प्रशासन से कानून व्यवस्था पे आ गए, प्रमोशन से डिमोशन हो गया। अब ये कानून व्यवस्था न्याय व्यवस्था होता क्या है, आपको उदाहरण के जरिए मैं बता देता हूँ। एक कुछ उदाहरण देंगे तभी तो समझ में आएगा। अब जी अब देखिए ये तो समझ, जी कंप्लीट क्या कुछ सवाल है, बोलो। कीजिए, कंप्लीट कीजिए आप। अब देखिए श्री राम महान है, क्यों महान है, क्योंकि वो पितृवाक्य के परिपालक हैं, सही है ना, तो पितृवाक्य के परिपालन के इसलिए महान है वो। और प्रहलाद भी महान है, क्यों महान है, क्योंकि पितृ का विरोध, पिता का विरोध किया उन्होंने, सही है ना, पिता का विरोध किया इसलिए वो महान है। यहाँ श्री राम ने पितृवाक्य परिपालन के इसलिए महान है। यहाँ पे रूल कौन सी है, पिता की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, क्या रूल है, दोनों में से एक रूल होनी चाहिए, पिता का वाक्य मानना चाहिए तो हम प्रहलाद को जेल में टूसना पड़ेगा, एक से ये गलत है, ठीक है ना। अब देखिए लक्ष्मण महान क्यों है, क्योंकि बड़े भाई का सम्मान करता था इसलिए लक्ष्मण महान मानते हैं ना हम। अब विभीषण क्यों महान है, क्योंकि उसने बड़े भाई का विरोध किया था। यहां पे रूल कौन सी है, बड़े भाई का सम्मान करना है कि नहीं करना है, अगर सम्मान करना रूल है तो विभीषण गलत है, विभीषण को सजा मिलनी चाहिए। तो ये हमारी परंपरा रही है, देखिए हम न्याय बेस्ड, ये बोलता हूं मैं न्याय, यहां न्याय के हिसाब से देखें दोनों सही है, प्रहलाद भी सही है, श्री राम भी सही है, लक्ष्मण भी सही है, विभीषण भी सही, क्योंकि न्याय की दृष्टि से देखें, आप धर्म की दृष्टि से देखें दोनों सही है, अगर आप कानून की दृष्टि से देखें दोनों में से एक गलत है, दोनों में एक सजा होनी चाहिए। इसका मतलब हम न्याय व्यवस्था से कानून व्यवस्था पर नीचे आ गए, हम डिमोशन हो गया हमारा। और ये इम्पोर्टेड बोला मैं, बाहर से आई हुई व्यवस्था है। कन्नड़ में एक कहावत है कि हाथ में ये मक्खन, हाथ में मक्खन रख के पूरा गांव का चक्कर लगाया घी ढूंढते हुए, मक्खन हाथ में है उसको गर्म किया तो घी मिलेगी, लेकिन घी ढूंढ के पूरा गांव का चक्कर लगाया, हालांकि मक्खन हाथ में था। हमारी ये हाल हो गई, अभी हमारी सारी जो परंपरागत यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको छोड़ के हम विदेश जाके, वो नए नए लोग हैं ना, नए नए, उनको उनको ना
200 400 500 साल के साल से ऊपर उनका कोई इतिहास नहीं है, वहां से हमने उठा के लाया और हमारा संविधान बना दिया। ये दुर्दशा है हमारी। ये ऐसे हो गया कि 80 साल का 90 साल का एक बूढ़ा अपने पोता पोती, 1 साल की 2 साल की पोता पोती चलने सीख रहे हैं ना, चलने सीख रहे हैं, उनको देख के वो भी चलने को सीखेगा तो कैसे लगेगा। 90 साल का बूढ़ा जो चल के दौड़ के पूरा दुनिया का चक्कर लगा के अब बुढ़ापे में आ गया, वो पोता पोतियों को देख के चलने सीखेगा। ये हालत हो गई हमारी। जो ये पश्चिमात्य देश है वो अभी अभी चलने को सीख रहे हैं, उनके उनका हमने संविधान कॉपी करके हम लगा दिया। ये दुर्दशा की है हमने। अब देखिए तो और एक उदाहरण देता हूं मैं। एक गांव का एक घर है, घर के सामने आंगन है, आंगन के उस पार एक बड़ा गड्ढा है, उसमें पानी भरा है। बड़ों को सबको पता है, घर वालों को पता है कि वहां जाएंगे तो गिर जाएंगे। गड्ढा है, उसको जान के लिए खतरा हो सकता है। अब देखिए कोई मेहमान आ गया घर में, घर में मेहमान आते नए नए आए मेहमान, आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले उनको आते मेहमान बोलेंगे, देखिए आंगन के उस पार एक गड्ढा है, पानी भरा है, बहुत गहरा है, उतना खुल गया तो हो गया काम, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मेहमानों के साथ बच्चे भी आ गए, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको आप क्या समझाएंगे? देखो बेटे वहां गड्ढा है, उसमें पानी भरा है, वहां नहीं जाना, गिरते हैं बोले तो बच्चे पूछेंगे गिरना क्या होता है, वहां गिरे तो मर जाएंगे, मरना क्या होता है? जिस बच्चे को मरना क्या होता है नहीं पता, उनके लिए आप कैसे समझाएंगे? देखो उधर एक रस्सी बांधी है, एक लकीर खींची है, उसके पार नहीं जाना है, बच्चों के लिए रूल, ये लकीर के उस तरफ मत जाओ, ये रूल बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये रूल की जरूरत नहीं है, उनको समझ में आता है कि उधर गया तो हम गिर जाते हैं, मर जाते हैं। तो हम बड़ों की भाषा में समझाए या बच्चों की भाषा में समझाए हमारे देश को? हमारे देश इतना बुजुर्ग है, बच्चों की भाषा में समझाना जरूरत नहीं है हमारे? तो वो व्यवस्था हमें चाहिए, उसके ऊपर हम अभी बहस करें। ये यूसीसी छोटे छोटे क्या बातों में उलझते रहे तो कुछ तो प्रकाश डालने की कोशिश हम करें। जी मैं उस चीज के ऊपर आता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, और के नीति जी बोल रहे हैं कि मैं तो कैंची लेकर चलता हूं, जैसे कि मोदी जी अनाउंस करेंगे अपने हाथ से एक खतना कर लूंगा, अपने हाथ अपना विकास, जय हो मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक वादियों के ऊपर आपका बहुत अच्छा तंज है। और आपको अच्छा मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या ऐसा नहीं है कि चुनाव के मद्देनजर, जैसे कि कोर्ट जो बोलते हैं ना कि तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए अदालत इस निष्कर्ष पे पहुंचा है, तो इन्होंने ऐसा तो नहीं था इनका प्लानिंग कि ये लेकर आएंगे और ये आप जानते हैं कि विक्टिम बनकर राजनीति कर रहे हैं कि देखो जी मैं तो ये तो करना चाह रहा था, विपक्ष ही नहीं करने दे रहे। 2019 में इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगा, क्योंकि हालांकि शुरू में जो मैंने ऑब्जर्व किया है विपक्ष ने विरोध नहीं किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसको उनके मुंह में उंगली देने लगे, जैसे कि ये करते हैं कि तुम कुछ बोलो कुछ बोलो, और जिनके विरुद्ध ये चुनाव लड़कर आए उनके लिए ये काम करते हैं और उनका विरोध दिखाकर लोगों से वोट मांगते हैं। तो बहुत ही गंदी राजनीति है इनकी। तो कहीं ऐसा आपको नहीं लग रहा कि इनके अब गले का हड्डी बन गया, क्योंकि विपक्ष भी अब विरोध नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि ठीक है इसका जो भी नियमावली है वो सामने आता है उसके बाद हम देखेंगे क्या करना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि इनके गले का हड्डी बन गया, ये चाह रहे थे कि एक ट्रैप में ले और हम विक्टिम कार्ड खेले कि देखो जी हम तो करना चाहते थे, विपक्ष ने हमें करने नहीं दिया। जी बिल्कुल, अब तो मेरे को लगता है कि विपक्ष को भी समझ में आया होगा इसका मास्टर स्ट्रोक कैसा है, इसका दिमाग कैसे चलता है, समझ में आया होगा। ठीक है आप ड्राफ्ट तो ले आइए बाद में देखेंगे, अच्छी स्ट्रैटेजी है विपक्ष के लिए। और अच्छा एक चीज देखिए कि बिना विपक्ष के विरोध के लोग तो कई सारे घोषणाएं करने लगे, जैसे कि आनंद मैरिज एक्ट को बाहर रख दिया, जैसे सिखों को इसे मतलब उनका जो शादी विवाह का उनके विवाह का जो सिस्टम है बाहर कर दिया, जनजातीय समाज को बाहर कर दिया,
कल होके मुस्लिम समाज में भी होगा कि नहीं आपका जो शरीयत है वो एज इट इज चलता रहेगा, हम यूसीसीए लागू करना चाहते हैं। तो फिर आप ला किसके लिए रहे हैं और जरूरत किसको है? फिर हिंदू समाज तो पहले से कर चुका है अपना, जो उसके ऊपर यूसीसी होना चाहिए हो तो पहले खुद ही लागू कर चुका है, उसके ऊपर अब लागू कराने की क्या जरूरत है? लोगों को बरगला आप देखिए, इनके इनके एजेंडे में कई सारी चीजें थी। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक 370, ऐसे एक राम मंदिर। अब राम मंदिर तो इनको तो नहीं चाहिए था सुलझाना, फिर भी एक सुलझ गया कोर्ट के द्वारा, तो एक हो गया। 370 ये बोल रहे थे तो कुछ तो करना पड़ेगा, कर दिया और उल्टा पीछे से फिर लागू कर दिया। आप तो जानते ही है कि कैसे पीछे से लागू कर दिया, जो सामने दिखता है कि नहीं हटा दिया। लेकिन जो परिस्थिति तभी थी वो परिस्थिति आज भी है, तो उधर भी एक मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। अब यूसीसी की बात आती है, अब देखिए तुम्हारा मेजोरिटी होते भी तुमने, तुम्हारे तीन बड़े वादे थे पिछले 50 साल से वो पूरे नहीं, तो वो भी अभी लागू करना चाहते हैं और बोलेंगे कि अरे देखो वो बाधा डालता है, ये बाधा डालता है। तो कम से कम इस बार तो इसको इनको पूरा इनका क्या एक्सपोज करना पड़ेगा। हम बुनियादी बात करें ना, वो बोल रहा हूं मैं, हम बुनियादी बात करें तभी तो ये लगता है कि आपको कितनी समझ है इस नागरिकता की, हमारी भारतीय सभ्यता की आपको कितनी समझ में, तो तभी समझ आए। ऐसे ऐसे मुद्दे उठाओ, ये कानून गिनून की बात मत करो, न्याय की बात करो। हम न्याय व्यवस्था, हम संविधान में हमारा न्याय व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था है, वहां से हम न्याय व्यवस्था तक आ जाए। राम राज्य की बात करने से नहीं होता, राम राज्य होता गया, कम से कम उसके ऊपर बात तो हो। कैसे होता है, कैसे दिखती होगी, क्या ज्यादा कोर्ट बनाना है या यूसीसी लाना राम राज्य होता है क्या? बिल्कुल। और द जलेबी शॉप जी लिख रहे हैं, एक्सपोज होने के लिए यूसीसी ला रहे हैं महामानव 2024 में। हाँ, ये एक चीज हुआ है कि सरकार में एक्सपोज बहुत लोग होते हैं, कोई भी होता है बस वो एक्सपोज हो गए, बस एक्सपोज का ही खेल चल रहा है। तो आप बताइए कि पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड, जो लोग भी इस ट्रैप में आना चाहते हैं तो पहले तो उनको इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। आपने अभी राम मंदिर का नाम लिया था, जी राम मंदिर जी तो गुरुमूर्ति तो संघ के करीबी हैं, मोदी के मित्र हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि जो पीवी नरसिंह राव ने जिसको जिस जमीन को मतलब अपने अधीन ले रखा था, वो चाह रहे थे कि प्राइवेट पार्टी को दे दिया जाए, तो ये लोग तो खुद डिले कराना चाहते जी थे। और आज जो चीज हो रहा है उसका क्रेडिट, अब तो आप बोल रहे हैं इसका भी क्रेडिट मोदी जी को जा रहा है कि आप मोदी जी की वजह से बोल पा रहे हैं। तो फिर ये यूसीसी जो है काम इसका जी काम किया तो डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी ने, और क्रेडिट लिया मोदी ने। जी तो मेरा सवाल यहां पर ये है कि आप ये बताइए कि इन लोगों ने जितने काम किए, जैसे कि 370 की बात होती है, ये इन्होंने 15 साल की डोमिसाइल डाल दी, 100% स्टेट रिजर्वेशन डाल दिया। अभी एक आर्टिकल न्यूज आई है कि इन्होंने 40,000 रोहिंग्या बसा दिए, 40 हाँ कश्मीरी ब्राह्मण नहीं बसाए गए इनसे। तो फिर कुछ ऐसा ही जी यूसीसी के साथ भी होने वाला है क्या, कि कुछ ऐसा ही यूसीसी लाएंगे कि बस ये हिंदुओं के विरुद्ध ही काम करेगा? बिल्कुल। मेरे को मेरे मित्र, अभी जो भी मित्र मिलते हैं तो बोलते हैं ना, अरे जो यूसी चला रहे हैं ना, क्या क्या राय है आपका, अपने बड़े बीजेपी के समर्थक पूछ रहे थे। मैं बोला ठीक है, अभी बोलने से पहले कम से कम इतना इंतजार करो कि यूसीसी में आप मूंछे निकाल के दाढ़ी बढ़ाना कड्डाई होगा, आ सकता है। सफेद टोपी लगाना जरूर कड्डाई है, आ सकता है, जरा जरा होशियारी से। मैं बोला मोदी सरकार होते हुए पूरी चांसेस है कि ऐसा आएगा, तो ज्यादा एक्साइट मत हो, तो थोड़ा सा ठंडा हो गया वो। ऐसे बोल दिया मैंने कि क्या आता है वो तो देख ले, कम से कम यूसीसी होता क्या है, कि आपको हर हर शुक्रवार को आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा, ऐसी जो यूसीसी आएगी तो क्या करेंगे। तो ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये तो पहले से फील्डिंग करने लगा अभी, ये तो उन्होंने उनको तो मसौदे से कोई जी मतलब है नहीं, उनको बताया वो होगा आपने विरोध लोग, कर जी, तो वो तो पहले से विरोध करने लगे वो। अब तो आप देख लीजिए कि जो लोग इनसे, जो भी पार्ट टीम बी के हिस्सा है,
वो टीम भी वाले अब तो मोदी योगी को कन्वर्ट कराने के सपने देखने लगे, और वो बोल रहे हैं कि भारत में शरीयत का राज होगा, तो वो तो शरीयत लाना चाहते हैं, यहाँ लोग यूसीसी में उलझे पड़े हैं। तो क्या है ये मामला इस, और किस तरह के माइंडसेट में लोग जी रहे हैं कि ये यूसीसी। वही तो मुझे लगता है, मेरा शक भी यही है, वो शरीयत लागू करके उसी को ये यूसीसी बोल देंगे, देखिए हमने यूसीसी ला दिया, शरीयत नाम हटा के यूसीसी लगा दो, बस कानून वही। मुझे तो पूरी इसकी संभावना दिखती है। तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये यूसीसी इज इक्वल टू शरीयत, शरीयत एक्ट। जी वैसे लाए तो मुझे नहीं होगा, लेकिन वो जरा पैकिंग अच्छा करेंगे ना, पैकिंग इतना सुंदर पैकिंग करेंगे, अंदर चाहे चाहे गोबर भी हो लेकिन पैकिंग से दुनिया चलती है, तो पैकिंग में मास्टर है ना वो, तो इंटरनेशनल अमेरिका में जाके बोलेगा देखिए इतना अच्छा पैकिंग है, तो यूसीसी है इसमें अंदर, तो अंदर तो शरिया होगा। जी बिल्कुल। और प्रहलाद नारायण जी बोल रहे हैं ग्रेट एग्जाम्पल, आपने जो एग्जाम्पल दिया है ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ न्याय वर्सेस कानून। मूर्ख यूसीसी वालों को पूछो कि दशरथ शिवाजी महाराज के कितने पत्नी थे, कानून से गलत या राजधर्म से सही, प्रहलाद नारायण जी लिख रहे हैं। जी सही है, वही तो बोला ना, अभी देखिए सही गलत का फैसला, अभी देखिए। हेलो हेलो देखिए जी, आवाज आ रही है आपकी। मैं ये जानना चाह रहा था कि चलिए यूसीसी के ऊपर तो ठीक है जो बातें हो रही है अभी, इसमें बहुत सारी चीजें जो सरकार है, अगर विरोध हो रहा होता तो सरकार के पास यही मुद्दा होता कि देखिए देखिए ये विपक्षी विरोध कर रहे हैं, तो अभी विरोध न करने से, अभी वो विरोध ना जी करके इनको ऐसा कर दिया कि आज ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरी जो एग्जिस्टिंग लॉज है वो कितने भारत में वर्क करते हैं, आप दो एग्जाम्पल, दो तीन एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल दे देते हैं कि आप जैसे मध्य प्रदेश कहीं उठा लीजिए, दो तीन घटनाएं हुई, किसी को पीटा गया, किसी को के ऊपर यूरिनेटिंग दिया गया, किसी को अलग अलग तरह के हुए, लेकिन जिसको लेकर आउटरेज होते हैं भारत में, जिसको लेकर आउटरेज होते हैं उसके ऊपर बुलडोजर भी चल जाता है, उसको कंपनसेशन भी मिल जाता है, और जिस मामले को लेकर आउटरेज ना हो तो वहां चुप्पी साध ली जाती है, किसी को कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ऐसे कंडीशन में पहले आपके पास आईपीसी जो है उसको तो आप अच्छे से लागू कर लो, वो तो हो नहीं रहे, लेकिन उधर ही यूसीसी यूसीसी। नहीं, जी आईपीसी में यूसीसी नहीं है। तो उसके बाद अच्छा एक चीज बताइए, जो यूसीसी को लेकर अभी से लामबंदी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, अगर ये थोड़ा सा भी उसको लेकर गंभीर होते कि इनको यूसीसी लाना है, तो सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करते हैं। लेकिन ये जी मुस्लिम करना ही पर्सनल चाहिए लॉ था, बोर्ड अभी को, भी जी वही तो हमारी तरफ से अभी मांग रखनी चाहिए कि मेरे जैसे आपके जैसे अभी यही मांग करें कि पहले वो काम करो बाद में यूसीसी की बात करो, या माइनॉरिटी कमीशन खत्म करो, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री खत्म करो, और ये जो 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 भी है ना क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो भी है ना आर्टिकल वो खत्म करो, ये सब बकवास बंद करो पहले बाद में यूसीसी की बात करो। देखिए ये सारी जो है, आप एक चीज देखिए, इस तरह के मुद्दों का ट्रेंड जो कि खास करके जो कौन गुजरात चुनाव से पहले आपने देखा कि अचानक से वक्फ बोर्ड की बहुत चर्चा होने लगी थी, हर मीडिया चैनल पे वक्फ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड ने यहाँ जी इतना कब्जा कर लिया, वहां उतने कब्जा कर लिया, चुनाव गायब, वक्फ बोर्ड की सारी समस्या गायब। तो ये चुनाव से एन पहले इस तरह के इनके प्रयोग करना, तो आपको क्या लगता है कि आम लोग, जैसे आप तो एक एक्टिविस्ट भी हैं, काफी लोगों से मिलना जुलना भी होता है, क्या आम लोगों के ऊपर इस चीज का इम्पैक्ट है कि ये लोग यूसीसी लाते हैं, अगर जो भी है फॉर्मेलिटी करते हैं, तो उसे क्या क्या इनको कुछ राजनीतिक तौर पर फायदा होता हुआ दिख रहा है क्या आपको? नहीं, मुझे लगता है कि इनका अभी पर्दाफाश हो गया, अब अपना अपना जनता को आप मूर्ख मत समझिए, हमारे भारत के मतदाता आप अनपढ़ जरूर हो सकते हैं लेकिन राजनीतिक उनकी सूझबूझ तो बहुत ही अच्छी है, बहुत जहां पे आपको ये कम लगेगा वहां राजनीतिक सूझबूझ और भी ज्यादा है।
बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल देख सकते हो। ऐसे हो गया कि एक कहानी है ना, वो एक आदमी जाके चिल्लाता था कि इसमें कि ये आ गया क्या, मगरमच्छ आ गया, मगरमच्छ आ गया, रोज चिल्लाता था, लोग भाग भाग के आते थे बचाने के लिए। वो बोलता था ये मजाक में बोला, मजाक में बोला। तो ऐसे होता रहा, लोगों को फिर आदत पड़ी है तो रोज ऐसे मजाक करते। एक दिन सचमुच में मगरमच्छ आ गया, इसको पकड़ लिया। तो इसने जब चिल्लाना शुरू किया, लोगों ने समझा ये तो मजाक कर रहा है, तो कोई आए नहीं। मगरमच्छ ने खाया उसको। यही हाल होगी लगता है मेरे को अभी, बीजेपी के मोदी की यही हाल होने वाली है कि लोग समझ गए ये मजाक कर रहे हैं, हर बात में इसका मजाक है, ये चुनाव के लिए कर रहा है, तो इसको गंभीरता से मत लो। मतदाता समझ चुके हैं मुझे लगता है। अच्छा, एक मांग हो रही है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये भी मांग किया है कि जो भी माइनॉरिटी है उनको यूसीसी से बाहर रख दिया जाए। ये माइनॉरिटी इस चीज होता को क्या है आप सबसे पहले? ये नहीं, सबसे पहले ये पूछो ना, माइनॉरिटी होता क्या है? अब देखिए, इतना बड़ा जोक है इस देश में, इतना बड़ा जोक, ये माइनॉरिटी होता क्या है? देखिए, कल तक या एक थोड़े दिन पहले हिंदू था तो मेजॉरिटी था, तो कन्वर्ट होके मुसलमान बन गया तो माइनॉरिटी बन गया, ठीक है ना? कल सुबह उसको लगेगा कि ना पहले का अच्छा, तो घर वापसी कर लेगा, फिर मेजोरिटी बनेगा। क्या मजाक है ये? ये क्या मेजोरिटी है, क्या माइनॉरिटी है? मतलब आपकी मनमानी के हिसाब से मेजोरिटी भी बन सकते हैं, माइनॉरिटी बन सकते हैं। आपके बाप परदादा हिंदू थे तो मेजोरिटी थे, आप कन्वर्ट हो गए तो माइनॉरिटी हो गए ना। क्या मजाक है ये? इसको पहले बताइए ना, ये माइनॉरिटी होता क्या है? अब देखिए, जो भी सरकार जो चला रही है, जो सरकार चला रही है उसी हिसाब से, जैसे कि एक हिंदू को छोड़कर तो भारत में सभी माइनॉरिटी है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है कि जो भी माइनॉरिटी है सबको बाहर निकाल देंगे। वो हिंदुओं में भी तोड़ा है ना, हिंदुओं में सरदारों को तोड़ा है, जैन को तोड़ा है, बौद्धों को तोड़ा है, उधर भी फूट लगा दिए। फूट लगाने में अच्छे है ना इनके, अंग्रेज उस समय भी आगे ज्यादा बढ़कर है समाज को तोड़ने में। अच्छा, जो इस मामले को लेकर क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसका क्या रुख है यूसीसी को लेकर? अरे हमारे यहाँ तो बस चर्च जो निर्धार करेगी वो फाइनल है। हम तो कौन होते हैं, हम तो अपने लिए कोई अवकाश नहीं है ये करने के। इसाइयत का बस यही खासियत है कि जो चर्च ने कहा, वो भी एक अपना चर्च, मतलब द टॉप ब्रास, द बिशप मंडली है, उन्होंने जो कहा वही सही है। बाकी लोगों से फूकने कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बकरे लोग हैं ना, तुमसे क्या पूछना, हम जानते हैं सब। तो वैसा है, तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बिशप कॉन्फ्रेंस जो निर्णय लेगी वही। आप तो चर्च को भली भांति समझते हैं, तो आपका क्या लगता है कि चर्च का क्या रुख होगा इस चीज को लेकर? काफी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं उससे, तो आपको ये चीज तो पता होगा क्या रुख विरोध होगा उनका। तो करेंगे, चर्च विरोध करेंगे, वो चिल्लाएंगे। चर्च देखिए सीएए में, हालांकि ईसाइयों के खिलाफ कुछ नहीं था, उल्टा लाभ था ईसाइयों को। सीएए में जो भी बाहर से आते हैं ईसाई, उनके लिए लाभ था, उसका विरोध किया चर्च ने। देखिए, अगर इतना बड़ा चर्च भी इतना बड़ा मास्टर शोक लगा सकती है, तो मोदी से भी आ गए मास्टर शोक लगाने में। तो अब आप एक बात बताइए, एक चर्च का नेक्सस आपको पता है कि वो किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करते हैं, तो अगर चर्च इनके खिलाफ आ गए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आएंगे, वो लामबंदी भी करने लगा है, तो फिर आपको क्या देखिए, लगता है कि यूसीसी नामक जो एक ये चुनावी जुमला जिसको बोलते हैं, ये जो चुनावी जुमला है, ये चुनावी जुमला क्या लागू हो पाएगा, या फिर यही बताया जाएगा कि वो तो एक चुनावी जुमला था? नहीं, वो तो जुमला का जुमला ही रहेगा। अभी आज से कितने जुमले बोले, पिंक रेवोल्यूशन का भी एक जुमला था, 15 लाख का भी एक जुमला था, वैसे यूसीसी भी एक जुमला है। लेकिन जैसे ये लोग कूदेंगे ना सामने वाले, तभी रंग आएगा, नहीं तो रंग नहीं आता ना। एक ही तरफा हो गया यूसीसी। जब ये चर्च बात करेगी, जब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बात, तभी रंग आएगा इसमें। अरे देखो, हम तो हिंदू के पक्ष में पक्षधार हैं, ये विरोध करते हैं। तो यही है इनका, पिंक रेवोल्यूशन भी एक जुमला निकला ना अभी। अब बोलते हैं, अब लेटेस्ट मार्क्सिस्ट ये है कि जो गौ मांस रफ्त करते हैं उसमें 1 ग्राम भी गौ मांस नहीं है, वो सारा भैंस का है, 1 ग्राम भी।
यहां तक हो गया अभी मास्टर स्ट्रोक, हालांकि संख्या बढ़ गई जाने की, लेकिन उसमें गाय नहीं है, सिर्फ भैंस है। अब ये कैसे पता करें सिर्फ भैंस ही गाय नहीं है, कौन सर्टिफाई करेगा इसको? गाय भी तो क्या रिकॉर्ड में भैंस बन सकती है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जैसा कि हमेशा का एक ट्रेंड रहा है, मैं ट्रेंड के ऊपर ज्यादा बात करना पसंद करता हूँ क्योंकि ट्रेंड के ऊपर थोड़ा लोग प्रैक्टिकल जो चीजें होती है वो थोड़ा उसको समझना आसान होता है, थ्योरेटिकल बहुत सारी बातें हैं जिसको लोग यहाँ सुनेंगे लेकिन भूल जाएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ये है कि जब भी ये कुछ इस तरह के, मैं तो खुरापात ही बोल सकता हूँ, खुरापात करते हैं लोग, तो फिर एक समूह है जो आज उसको संतुष्ट किया जा रहा है, तृप्त कर लिया गया, अब उसको संतुष्ट किया जा रहा है, उसके संतुष्टिकरण का अभियान चल रहा है, जिसको आज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके खाने से लेके उनको हर चीज के लिए सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, दे भी रही है, तो वो हमेशा तैयार होते हैं पत्थर पेट्रोल बम लेकर कि हमें मौका मिलना चाहिए कि हमें सड़क पर उतरना है। अब ऐसे मामलों में क्या होता है कि जो ऐसे मामलों को कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेवारी होती है, लेकिन जो यहाँ का सो कॉल्ड बहुसंख्यक है उसी को बताया जाता है कि तुम घर से बाहर नहीं निकल पाते, अब मोदी जी अकेला आदमी क्या करे, अकेला आदमी है और इतने लोग उनके खिलाफ है तो अकेला आदमी मोदी जी क्या क्या करें। दूसरी तरफ अमित शाह जी का ही बयान आता है कि पूरा समूचा जो विश्व है अगर वो कुछ भी सोचता है तो उसके अंतिम फैसले के लिए मोदी जी की सहमति जरूरी है। क्या आपको लगता है कि वो प्रयोग एक बार फिर से होने वाला है? वो तो होगा ही, वो तो हमेशा उनका एक ट्रेडमार्क रहा है ना, हमेशा सिवा मणिपुर के पूरी दुनिया में इनकी मर्जी चलती है, सिर्फ मणिपुर में नहीं चलती है। तो मणिपुर के ऊपर तो चर्च का भी बयान आ गया कि मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़े। जी जी क्या मणिपुर के ऊपर चर्च के बयान आ गए सामने। मैं एक मिनट, मैं देख कर बता देता हूं वो पूरा है क्या मामला। ये है केरल के कैथोलिक बिशप क्लेमिस मणिपुर हिंसा पर पीएम से कहा चुप्पी तोड़ो। जी तो फिर जी, बोलेंगे आप ये जी। तो ये लोग, अच्छा ये बताइए कि मोदी जी से ये लोग मणिपुर के ऊपर चुप्पी तोड़वाना चाहते हैं किस संदर्भ में, क्योंकि वहां पे दो, एक तो कुकी है एक मैथई है, तो कुकी जो मोस्टली वो क्रिश्चियन बन चुके हैं, मोस्टली उसमें क्रिश्चियंस हैं, तो ये क्या चाहते हैं कि मोदी जी बयान दें तो ये बताएं कि जो वहां पे कुकी है वो वहां पर पीड़ित है। इनकी कुछ एक्सपेक्टेशन गिरती है, कई सारे अभी देखिए चर्च का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमेशा क्या बोलते हैं कि एक ट्रेंड रहा है, कैसे कि इतने चर्च तोड़े गए, इतने ईसाइयों के ऊपर हल्ला हो गया, इतने लोगों को पीटा गया, इतने घर जलाए गए, ईसाइयों के ऊपर परसेक्यूशन हो गया, ये ही है स्टैंडर्ड। और मणिपुर में यही हो रहा है। अभी अभी देखिए मैंगलोर मैं जहाँ पे यहाँ पे मैं धरना दिए, चर्च लोगों को बुला बुला के धरना दी गई, इधर ईसाइयों के ऊपर परसेक्यूशन होता है मणिपुर में, ये भी हो गया। तो पीएम को ऐसे करके घेरेंगे तो प्रधानमंत्री पहले आप माहौल बना दें एक ईसाइयों के ऊपर, मणिपुर में सिर्फ लड़ाई है ईसाइयों के खिलाफ है, ये तो माहौल बना चुके हैं पूरा दुनिया भर में, ऑलरेडी माहौल बन चुका है। अभी पीएम को इसी के ऊपर चुप्पी तोड़नी है कि आप ईसाइयों के लिए कैसे करेंगे, कैसे प्रोटेक्शन देंगे। प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ मतलब यही है कि बयान दे दो हाउ यू प्रोटेक्ट क्रिश्चियंस, ईसाइयों को कैसे सुरक्षित करोगे इसके ऊपर बयान दो, चर्च का कहने का मतलब ये भी है। तो क्या करेंगे मोदी, बयान देंगे तो ऐसे ही देंगे, ना हम दे हम चाहते हैं कि हमारे ईसाई भाई सुरक्षित हो, ऐसे ही आएगा बयान ना। असली या वहां पे मेटी पीड़ित है वो बयान तो कभी नहीं, कतई नहीं आएगा मोदी के मुंह में।
क्या आपको ये नहीं लगता कि एक इस तरह का प्रयास है जिसकी वजह से अराजकता बढ़े और उस अराजकता के नाम पर भी वोट मांगकर ये चाहते हैं कि उसके ब्याह पे ये 2024 का चुनाव फतह बयान करें? भी आया था ना, मैं खुल के बोलते हैं ना, कुछ छुपाते भी नहीं है। ऐसे अमित शाह का बयान भी आया था, जितना ज्यादा कीचड़ उतना खिलेगा कमल, जितना ज्यादा क्या हिंसा हिंसा का कीचड़ उतना कमल खिलेगा, खुलेआम बोल चुका है वो। तो जगह जगह इस तरह की जो हिंसा फसाद होते हैं वहां पर इनके चुप्पी का भी वजह यही है कि ये चाहते हैं कि ये सब होता रहे और हम उसी को भुनाकर सत्ता हासिल करते रहे, जैसे कि बंगाल में भी हुआ है। तो बंगाल में जो हुआ वहां पर भी देखिए कि अभी पंचायत चुनाव के कल की ही बात है, तो वहां पर जिस तरह से लोगों को मारा गया उसका वीडियो शेयर कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो कि इन लोगों का शुरू से ट्रेंड रहा है कि लोगों को डराओ और वोट हासिल करो। जी और एक तो अब आम लोग भी ये बात समझने लगे कि बीजेपी की पॉलिसी है कि जिंदा हिंदू लाख का और मरा 1.25 लाख का। सवा लाख का नहीं, 4 लाख का, बहुत ज्यादा है, बापरे। 4 गुना ज्यादा है। हाँ तो फिर आप ये अंतिम मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये क्या यूसीसी का भी भविष्य वही है जो पूर्व में सारे, अब तो जुमला ही कह सकते हैं, जितने सारे जुमले रहे हैं ये भी एक जुमला ही होने जा रहा है? 100%, इसमें कोई कोई शक नहीं, 100%। जैसे मैं समझता हूं, जैसे आप समझते हैं, आपने सही आकलन लिया कि 100% वही होने वाला है। जुमला ही है, कुछ नहीं है इसके सिवा, जुमला के सिवा कुछ नहीं है, सिर्फ और एक जुमला है बस। लोगों को हमने, लोग समझेंगे भी आसान से, हम जब बोलेंगे जुमला है तो लोग भी समझेंगे, उनको पता है अभी कि जुमलेबाजी सरकारी है। तो क्या लोग इन जुमलों से अब तंग आने लगे हैं, जुमलों को पहचानने लगे हैं, या फिर ये जुमला काम भी आने वाला है? बिल्कुल ना, बिल्कुल तंग आ गए हैं। अभी तो लोग तो बिल्कुल समझ चुके हैं ये जुमलेबाजी आदमी है। इसके लिए ना देखो, विदेश में जाके अपने को ये कर रहा है, अरे कितना बड़ा महापुरुष है, देश से भी बढ़कर है। अभी तो पूरा दुनिया से बढ़कर है, मानो तो उसमें लगा है। देखिए हमारे क्या देश की वजह, मोदी की वजह से हमें इतना सम्मान मिलता है, तो सारे ये है ना, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड हवा 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 ही है। चलिए, आपने यूसीसी के ऊपर काफी कुछ बताया और न्याय और कानून दोनों के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। और एक चीज है, भारत में कानून का राज है लेकिन न्याय का राज नहीं है। न्याय कहाँ मिलता है आप किसी को? और न्याय का जो न्याय का सिस्टम था राज है ही नहीं, उसको न्याय का राज है ही नहीं, सिर्फ कानून का राज है, वही बोल रहा हूं मैं। हमें कानून का राज नहीं चाहिए, हमें न्याय का राज चाहिए। अब देखिए, हमेशा हम बोलते वक्त, आपने किसी के साथ बोलते वक्त आपने सुना होगा, यार क्या लोग हैं हमारे, उनको कानून की जानकारी नहीं है। हम बातें सुनते हैं ना, हमारे लोगों को संविधान नहीं पता, कानून नहीं पता। ठीक है, मैं पूछता हूं उल्टा एक सवाल, क्या हमारे लोगों को सही गलत मालूम है? क्या क्या सही है क्या गलत है मालूम है ना? कौन सा न्याय कौन सा अन्याय मालूम है ना? है कि नहीं है? बिल्कुल है, जी। इसमें कोई शक नहीं ना आपको। कोई भी आप एक घटना बता दो लोगों को, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को बता दो और वो बोलेगा ये सही है ये गलत है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये धर्म है ये अधर्म है। बस उससे बढ़कर अपने को क्या चाहिए? वही तो चाहिए था, वो है सब में। अपने को कानून जान के क्या करना है, संविधान जान के क्या करना है? जीने के लिए, इंसान के लिए, एक एक समाज में जीने के लिए क्या चाहिए? अच्छा बुरा समझना जरूरी है, क्या करूं क्या ना करूं वो समझना जरूरी, वो तो है हमारे इसमें। ये संविधान की जानकारी लेके क्या करना है? उसी के हिसाब से हमारी व्यवस्था चलनी चाहिए थी, ये उल्टा हमें कानून का राज बना दिया। जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलते हैं तो ये बहुत बुरा होगा, जो अगर और देर तक ये व्यवस्था चली तो। इसी से जुड़ा सवाल है कि जो कानून का राज है उसने ऐसा है कि एक
जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, आप एक व्यक्ति हैं या मैं हूं, कोई भी हो, उस कानून के राज ने सबको जकड़ कर रख दिया है, जो आज कुछ भी अपने फ्रीडम के साथ वो कुछ नहीं कर सकता जो वो करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं कानून कैसे उल्टा। अभी अभी देखिए, वही तो मैं सही गलत समझता हूँ, जो मैं करना मैं सही करूँ गलत समझता हूँ, लेकिन कानून नहीं समझता तो क्या करूँ, पूरा दुविधा में। अरे कानून के शब्द कैसे हो गए, गलत होगा तो मैं क्या करूँ। इसलिए मैंने अच्छा काम करने वाला भाई करने से मैं हट जाता हूँ, जो मैं समाज के लिए कुछ अच्छा काम करने वाला था वो उससे भी अरे मेरे को कानून उल्टा पड़ गया, तो ये दुविधा है हमारे सामने। चलिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे इम्पोर्टेंट इशूज पे चर्चा करते रहेंगे, आप ऐसे ही जुड़ते रहिए। बहुत जी बहुत जी धन्यवाद आपका, और आप लोगों का भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बुलाते रहिए, हम आते रहेंगे। धन्यवाद। ये चैनल आप ही का है, और आप लोगों को एक चीज बता दूं कि रॉबर्ट जी इस चैनल के मेंबर भी हैं तो ये आप ही का चैनल है, आप जब भी आना चाहें, आपको हमेशा पहले से भी वेलकम रहा, आज भी वेलकम है, आगे भी वेलकम रहेगा। बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद।